सालों पुराने केस पर प्रियंका और एक्स मैनेजर ने किया समझौता। क्या बीती बातें भुलाकर अब पीसी और मिस्टर जाजू नहीं देंगे एक दूसरे को शिकायत का मौका। अटेंशन अटेंशन अटेंशन, मिस जिनचा की इस खबर पर हो खास अटेंशन। गॉसिप क्वीन लेकर आई है एक ऐसी खबर जिस पर अभी तक नहीं गई होगी किसी की भी नजर। एज यू नो, जब जब देसी गर्ल और प्रकाश जाजू का नाम आता है, सालों पुराना विवाद एक बार फिर याद आता है। कंट्रोवर्सी के चलते प्रियंका और प्रकाश ने एक दूसरे के खिलाफ केस भी दर्ज किया। पर्सनल लाइफ को लेकर दोनों ने एक दूसरे को तंज भी कसा। लेकिन 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 मिस जिनचा के हाथ लगी है एक ऐसी खबर जिसका पीसी और प्रकाश की बरसों पुरानी कंट्रोवर्सी से है सीधा कनेक्शन। देसी गर्ल और मिस्टर जाजू के बीच की वॉर ओवर हो गई है। पीसी और उनके एक्स मैनेजर के बीच सुलह हो गई है। लगभग 15 साल से चलती आ रही इस कंट्रोवर्सी का दी एंड हो गया है। कोर्ट के सामने पीसी और जाजू ने केस वापस ले लिया है। एक्चुअली मिसेस जॉनस और प्रकाश के एडवोकेट ने ये बीच का रास्ता दोनों को सुझाया, जिसे प्रियंका और प्रकाश ने अपनाना ही सही समझा। कोर्ट में वीडियो कॉल के जरिए प्रियंका को भी कोर्ट की बातों का हिस्सा बनाया गया और दोनों ने अपने पुराने केस को इट्स नॉट अ सीक्रेट, बॉलीवुड में पीसी के शुरुआती वक्त में प्रकाश जाजू एक बड़ा नाम थे। प्रियंका को अच्छी फिल्में दिलाने के पीछे भी मिस्टर जाजू का बड़ा हाथ था। लेकिन एक वक्त बाद दोनों के बीच अनबन की खबरें आनी स्टार्ट हो गई थी और यहीं से इनके बीच की वॉर की शुरुआत हुई थी। 2004 में पीसी ने प्रकाश के खिलाफ कंप्लेन फाइल की और जाजू पर उन्हें धमकी देने का आरोप भी लगाया। मामला थमने का नाम नहीं ले रहा था, जिसके बाद 2007 में प्रकाश ने भी देसी गर्ल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। प्रकाश जाजू ने प्रियंका के साथ साथ उनके पिता का नाम भी धोखाधड़ी के केस में घसीटा। कुछ साल बाद जब प्रकाश ने ट्विटर पर एंट्री की तो सबसे पहले जनाब ने देसी गर्ल की पोल खोलनी शुरू कर दी। बैक टू बैक कई पोस्ट कर प्रियंका की पर्सनल लाइफ जाजू ने रिवील करनी शुरू की, जिसने एक बार फिर बॉलीवुड में हलचल की हवा तेज कर दी थी। सालों पुरानी ये कंट्रोवर्सी की जड़ें काफी दूर दूर तक फैली हैं। फिलहाल पीसी और प्रकाश ने केस खत्म कर राहत की सांस ली है।